ابو معروف دي زياره غير معروف خالص زياره معروف صار معروف في الدعوات الاعمار देखिए दो दिन पहले जो है मुझे इतला दी गई, हुक्म दिया गया कि आपने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के मैंडेट पर इलेक्शन लड़ना है। तो एक दिन तो मेल मुलाकात दोस्तों के साथ उसमें गुजर गई। इसी तरह शुक्रवार को आप सबको पता है यहाँ 2 बजे तक एक तूफानी बारिश थी। फिर नमाज के बाद दारगुलून में एक नौजवान की वफात होगी, जनाजे भी चले गए। तो कल मैं थोड़ा निकला था इलाके में, कल तो साथियों ने ये फैसला किया कि भाई आप जाएं इलाके में, लेकिन हम बाकायदा कंपेन करने के लिए पहले एक मीटिंग बुला लेते हैं कुछ माजिज लोगों से, उनके साथ मशवरा करके तो हम कुछ टीमें जो है वो बनाएंगे और साथ में उन्हें दरख्वास्त करेंगे कि आप इलाके में लोगों को इतला दो, क्योंकि अभी भी लोगों को शायद ये पता नहीं है कि मैंडेट किसको है। तो उस सिलसिले में ये मेरे साथियों की बुलाई हुई मीटिंग है, मेरा इसमें कोई ज्यादा रोल नहीं है। तो मैं ये समझता था कि 10 20 30 लोगों की या 100 आदमी की होगी। मैं नीचे ही चाहता था कि वहाँ मीटिंग कर लेंगे कमरे के अंदर या बाहर शहर में। जब ये शामियाने लगाने लगे मैंने पूछा कि क्या है जी, शायद लोग ज्यादा होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है ये लोगों का खलूस है आगे, तो ये मीटिंग थोड़ी शक्ल इसकी जलसे की। मेंडर हल्का इंतखाब जो है पार्लियामेंट में सिर्फ पुंछ-सिरजोरी में नहीं, बल्कि पुंछ-सिरजोरी अनंतनाग की जो 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनमें सबसे टॉप पर मेंडर हल्का इंतखाब रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी एक हकीकी अवामी पार्टी है और हकीकत में अवाम के जज्बात की तर्जमानी करती है। और आप हजरात के जरिया मैं जो लोग यहाँ नहीं पहुंचे उन तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि उसी तरह उसी जज्बे के तहत आपने इस जमात के हक में वोट डालना भी है, डलवाना भी है और जोर जबरदस्ती से वोट डाल के तो जो जीतने हार को जीत में बदलते हैं उनका उनके लिए भी रोकथाम करनी है। देखिए पीडीपी के मंशूर में 2 काम जो हैं मुफ्ती साहब के ख्वाब थे, एक मूर रोड पर टनल इस इलाके को देना ताकि ये ऑल वेदर यानी हर मौसम में चलने वाली रोड हो जाए, ताकि जो 4-6 महीने पुंछ-सिरजोरी के लोगों को जब बर्फ पड़ जाती है तो कश्मीर से कट जाते हैं वो कटे ना। दूसरा इस इलाके को दूर दराज मुसीबत ज्यादा और सरहदी इलाका होने की वजह से मुफ्ती साहब का ये ख्वाब था कि यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया जाए। इन 2 बड़े कामों के लिए हमारी क्यादत आज भी वादाबंद है, अगर पीडीपी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में आएगी तो ये 2 काम किए जाएंगे। तीसरा जो काम उस वक्त मोहतरमा महबूबा जी ने किया था, एक तो ये अकलविया स्कूल जो है मॉडल स्कूल दिया, अल्लाह की मेहरबानी से वो तकमील उसकी हो चुकी है, काम अभी जो बाकी है वो भी हो रहा है। उसी दौर में एक यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी का कुछ नाम था जिसको उस वक्त मैंने आपने ढंग से कायल करके उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर साहब को और सुरनकोट और हवेली की क्यादत को तो डन्ना शास्त्रार में मैंने रखवाई थी कि तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं उनके वो दरमियान में रहेगी, एक अच्छा वहां का माहौल है, बच्चों के लिए बड़ी सेहत अफजा जगह है। उस पर कागजात बन के जगह अलाट हो गई, लेकिन जो ही पीडीपी की गवर्नमेंट गई, गवर्नर रूल आया, बीजेपी की हुकूमत आई, वो यूनिवर्सिटी जो है वो रोक दिया गया उस पर काम। तो वो जो है उसको दोबारा हम फाइल को निकलवा के जिंदा करेंगे और इस जिला को एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो मंजूर शुदा है जिसको जानबूझ के रखवाया गया बीजेपी क्यादत ने, बीजेपी की लीडरशिप ने, वो हम
दोबारा उसको जिंदा करके ये तोहफा पुंछ के लोगों को दिलवाएंगे।